हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बायो सर्वेट लॉ या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में से किसी न किसी एक पर कुछ ना कुछ जरूर आता है, ठीक है। या तो बायो सर्वेट लॉ से आएगा या फिर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से, में भी दोनों से भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर कुछ ना कुछ, क्लियर। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बच्चों एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने गॉस लॉ पढ़ा था, ये उसका जुड़वा भाई है। और जुड़वा भाई कैसे? जुड़वा भाई का मतलब ऐसा होता ना कि दो ट्विन्स इस तरह के। मैं ये बात कई बार समझा चुका हूं आपको कि बिल्कुल एक जैसे, मतलब कोई पहचान ही नहीं पा रहा कौन सा वाला है, है ना। लेकिन फिर भी उनमें ये बात उनकी मम्मी पापा को ही पता होती है कि उनमें जो कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो उनको पता होती है, कि वो पता कर लेते हैं कि ये वाला है, वो वाला है ना। तो कुछ डिफरेंसेस को छोड़ के बाकी यूं समझिए कि हूबहू जो गॉस लॉ है वही आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। मीन्स जैसे हम गॉस लॉ क्यों यूज करते थे, तो गॉस लॉ हम यूज करते थे एज ए अल्टरनेटिव ऑफ कूलम्स लॉ। वहां कूलम्स लॉ से हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो कई बार कूलम्स लॉ में जब इंटीग्रेशन आता था कॉन्टिन्यूस चार्जेस के केस में, तो जब इंटीग्रेशन आता था तो वो इंटीग्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता था। और कई बार इस तरह का भी इंटीग्रेशन आ सकता है कि इवन हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां हमको न्यूमेरिकल मेथड्स या कहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, हमें उसी से उसको सॉल्व करना होगा, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रॉब्लम। सिमिलरली अभी तक जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे वो बायोट सैबर्ट लॉ से कैलकुलेट कर रहे थे। और बायोट सैबर्ट लॉ में आपने देखा बच्चों के वहां पर हम पहले डीवी निकालते थे, फिर डीवी निकालने के बाद पूरे होल कंडक्टर के लिए उस डीवी को हम इंटीग्रेट करते थे। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन है बायोट सैबर्ट लॉ में, तो बायोट सैबर्ट लॉ में भी इंटीग्रेशन, मतलब सेम सिचुएशन यहां भी अराइज हो सकती है और होती है भाई। आपने मैंने भी हमने लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा, हमने वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो आपने देखा वहां पर इंटीग्रेशन के अंदर तीन तीन वेरिएबल आ गए थे, फिर हमने उनको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। यानी कि मतलब परेशानी तो है ही ना उससे, ठीक है। तो जैसे वहां गॉस लॉ कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर देता था, है ना, जिस काम को हम कूलम्स लॉ की हेल्प से पेज दो पेज में कर रहे थे और काफी लंबा प्रोसीजर जा रहा था, एलिमेंट लो, इंटीग्रेट करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, नहीं समझ रहे ना आप। सिमिलरली यहां पर भी वही था बायोट सैबर्ट लॉ में, ठीक है ना। तो बायोट सैबर्ट लॉ का अल्टरनेटिव जैसे कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव गॉस लॉ है, वैसे ही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बायोट सैबर्ट लॉ का अल्टरनेटिव है। मीन्स जिस काम को हम अब तक बायोट सैबर्ट लॉ से कर रहे थे, अब हम उस काम को एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से करेंगे। मीन्स अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज द अल्टरनेटिव ऑफ बायोट सैबर्ट लॉ, ठीक है, एंड गिव्स अनदर मेथड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो अब साहब बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस गॉस लॉ में। तो जैसे वहां पर गॉस लॉ का स्टेटमेंट था कि टोटल द सरफेस इंटीग्रल, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए इक्वल होता था 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इन, ये होता था ना, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वहां क्या था कि जब हम किसी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, तो हमें सबसे पहले उस चार्ज को एक क्लोज्ड सरफेस में, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस में उसको बंद करना होता था, जिसको हम बोलते थे गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। और फिर उस गॉसियन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करना होता था, और उसको फिर हम इक्वल रख देते थे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, वेयर क्यू इन क्या होता था, क्यू इन होता था कि उस क्लोज सरफेस के अंदर जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज बंद है, वो क्यू था क्यू इन, ठीक है ना। बिल्कुल सेम वही चीज है बच्चों यहां पर। अब देखिए मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को डिफाइन करूंगा,
तो अगर मैं एमपीए सर्क्यूटर लॉ की बात करूं तो स्टेटमेंट सबसे पहले हम लिखते हैं इसका स्टेटमेंट एमपीए सर्क्यूटर लॉ का, ठीक है। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लूप, लूप जानते हो आप, क्लोज पाथ, ठीक है। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो क्लोज्ड पाथ, क्लियर, अराउंड अ लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट एनक्लोज्ड बाई द लूप। बताइए, वही है ना, सिर्फ फर्क कितना है, क्या फर्क है बस, कि यहां पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, यहां इंटीग्रेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का और यहां इंटीग्रेशन हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। उसके बाद यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो एक सरफेस के ऊपर हो रहा है, किसके ऊपर, सरफेस, भाई एरिया किसमें होगा, सरफेस में, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है, एक एरिया के ऊपर हो रहा है। यहां क्या बोल रहा है वो, यहां तो है सरफेस इंटीग्रल, यहां क्या बोल रहा है, लाइन इंटीग्रल, मतलब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन हो रहा है एक लूप के ऊपर हो रहा है, एक लेंथ के ऊपर हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस। गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन सरफेस के ऊपर हो रहा है और एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन एक लेंथ के ऊपर हो रहा है, ठीक है। वहां क्लोज्ड सरफेस है, यहां क्लोज्ड लेंथ है, क्लोज लेंथ क्या होती है, लूप, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म दूं तो इंटीग्रेशन होगा साहब किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, क्लियर, किसके ऊपर होगा साहब, लेंथ के ऊपर, जैसे यहां डी ए है वहां डी एल है, ठीक है। और यहां पर ये सर्किल था, सर्किल क्या डिनोट करता था, क्लोज सर्किल, यहां पर भी सर्किल होगा, ये सर्किल क्या डिनोट करेगा, क्लोज लेंथ, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इन, लो जी ये एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या कहिए क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, क्लियर। तो ये जो आई इन है सबका मीनिंग वही है, बिल्कुल मैंने आपको क्या बोला कि जिस बच्चे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गहराई से पढ़ रखी है, समझो उसने मैग्नेटिज्म पढ़ रखी है, या जिस बच्चे ने गहराई से मैग्नेटिज्म पढ़ रखी है, समझो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखी है, हल्का फुल्का सा बस डिफरेंस होता है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी वगैरह का और थोड़ा सा बस, जैसे यहां लेंथ है वहां एरिया है, बाकी भावनाएं एक ही होती हैं, भावनाएं एक ही होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। जैसे अब और सिमिलरिटी बताऊं, जैसे आपने जब गॉस लॉ पढ़ा था, मैंने आपको गॉस लॉ पढ़ाया है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ गॉस लॉ आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू लिंक टू डिफरेंट एरियाज ऑफ फिजिक्स, क्लियर, जिसको एनालॉजी भी बोला जाता है, क्लियर। तो मैंने आपको गॉस लॉ में बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर भी कुछ चार्ज हैं प्लस क्यू वन, इसके बाहर भी कुछ चार्ज हैं जैसे प्लस क्यू टू, ये माइनस क्यू वन, सॉरी क्यू थ्री, है ना, ये प्लस क्यू फोर सपोज, है ना, मतलब तो कुछ चार्जेस बाहर भी हैं कुछ चार्जेस अंदर भी हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्जेस हैं सरफेस के बाहर और अंदर सबका रिजल्टेंट फील्ड होता था, याद रखिए कीजिए, ठीक है ना, याद आया होगा आपको, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये
जितने भी चार्ज हैं क्लोज सरफेस के या कहिए गॉसियन सरफेस के, अंदर हो बाहर हो, सबका रिजल्टेंट फील्ड है। लेकिन इसमें ये जो Qn है ये केवल वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। लाइक दिस एम्पियर्स सर्क्यूटर लॉ में बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मैं यहां पर एक ऐसे ही बतौर एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो ये एक क्लोज लूप है, ठीक है, और एक करंट इसमें ये है, ठीक है, और एक करंट इसमें सब ये है, क्लियर, और एक करंट यहां से जा रही है, ठीक है। तो सपोज दिस करंट इज आई वन, दिस करंट इज आई टू एंड दिस करंट इज आई थ्री, क्लियर। तो ये जो डॉटेड है ये क्लोज लूप है ना, I1 और I2 उसके अंदर है और I3 लूप के बाहर है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये I1, I2, I3 तीनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों करंट्स का रिजल्टेंट है, ठीक है। और ये जो IN है ये केवल वो करंट है जो लूप के अंदर आ रही है। तो यार बताओ, सब कुछ तो सेम है, जो गॉस लॉ में है वही एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ में है, समझे, ठीक है। तो ये वो करंट है जो केवल लूप के अंदर है और ये मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर बाहर जितनी भी करंट है सबका रिजल्टेंट है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अब, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप गॉस लॉ और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का जो जुड़वा भाई वाला रिलेशन है आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे हम गॉस लॉ में जब भी हम कोई प्रॉब्लम मींस कोई भी सिचुएशन जब करने चलते थे तो सबसे पहला स्टेप होता था हमारा ड्रॉ दी गॉसियन सरफेस। अब मैं बच्चों एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या काम करना होगा, ड्रॉ दी एम्पेरियन लूप, क्लियर। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि, नोट करते जाइए आप, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि बिफोर अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, Before applying Ampere's circuital law, we have to draw. We have to draw a loop. Close word लगाना सही नहीं है क्योंकि loop आप खुद में ही close होती है, loop बोला ही close हो जाता है। तो draw a loop which is known as Ampere's loop। उसको लूप को क्या बोलेंगे हम, एम्पेरियन लूप, जैसे गॉसियन सरफेस यहां पर एम्पेरियन लूप, क्लियर। अब बच्चों मैंने आपको ध्यान होगा कि गॉस लॉ में जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते थे तो वहां गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे और उस गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करने के लिए गॉस साहब ने यह कहा था कि भाई तुम्हारी मर्जी जैसा गॉसियन सरफेस चाहो वैसा करो ड्रॉ, मेरा लॉ ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। लेकिन बात नहीं बनती, मतलब हम अपनी मर्जी से कैसा भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से कैसा भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते थे तो रिजल्ट में कैलकुलेशन फिर से वही वापस कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, तो हमने फायदा क्या कर लिया भाई, हमने गॉस लॉ बनाया इसलिए था कि कैलकुलेशन ही थी हो जाए। कहने का मतलब वहां गॉस लॉ को सेलेक्ट करने का भी एक ट्रिक था, मतलब दिस इज द की पॉइंट ऑफ दीज लॉज, गॉस लॉ और एम्पियर्स लॉ, ये तब ही यूजफुल है जब आप क्रिएटिवली गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लें या क्रिएटिवली एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर लें। अदरवाइज अगर आपने मन से अपने कहीं से एवे मतलब कोई भी लूप या कोई भी सरफेस सेलेक्ट कर लिया आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। मींस तो वहां पर कुछ ट्रिक्स थी कि भी हाउ टू सेलेक्ट गॉसियन सरफेस, कि साहब गॉसियन सरफेस इस तरह से सेलेक्ट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो, कांस्टेंट हो,
या टेंजेंशियल हो या जीरो हो, बिल्कुल वही कंडीशंस, एग्जैक्टली वही कंडीशंस आपकी कि हाउ टू सेलेक्ट एम्पेरियन लूप। भाई उसने कह दिया कि एम्पेरियन लूप सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले, तो आप बात आती है कि साहब हाउ टू सेलेक्ट एम्पेरियन लूप। तो एम्पेरियन लूप सेलेक्ट करने के क्या रूल्स हैं बच्चों, कि एम्पेरियन लूप सेलेक्ट इन सच अवे, इन सच अवे दैट मैग्नेटिक फील्ड इज आइदर, मैग्नेटिक फील्ड इज आइदर फर्स्ट पॉइंट टेंजेंशियल टू द लूप, टेंजेंशियल टू द लूप एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट एंड हैव अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। क्लियर? दूसरा पॉइंट है साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड बी इज नॉर्मल टू दी एम्पेरियन लूप। ठीक है? और थर्ड है कि बी इज जीरो। मतलब ये तीन कंडीशंस, इन तीन में से कोई एक कंडीशन हो सकता है तीनों हो सकता है कोई दो, मतलब इन अ सिंगल सिचुएशन, इन अ सिंगल हमारे सामने कोई, हम मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये उस एम्पेरियन लूप में, वहां उस सिचुएशन में एम्पेरियन लूप के साथ ये तीनों सिचुएशन एक साथ बन रही है। मतलब कुछ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपका पैरेलल भी है, कुछ पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर भी है, और कुछ पॉइंट्स पर जीरो भी है। या हो सकता है कि केवल एक ही पूरी लूप में एक ही सिचुएशन बन रही हो कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है और मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना? मतलब लूप इस तरह से हो कि या तो वो मैग्नेटिक, जो लूप है लूप की मैग्नेटिक फील्ड या तो टेंजेंशियल है या मतलब मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट है, या जो मैग्नेटिक फील्ड है हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, या मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है ना? क्लियर? तो दीज आर द सम की रूल्स टू सेलेक्ट एम्पेरियन लूप। क्लियर? ये तो बच्चों वो तरीका है कि मतलब आप लॉजिकली, मतलब एक तरह से कहते हैं कि भाई हमने क्रिएटिवली सोचा कि भाई अगर ये सिचुएशंस बन जाए तो फिर एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, ठीक है ना? मतलब ट्रिक का काम होता है कि दिमाग चलाना ही नहीं है, फिर ट्रिक का काम होता है कि आपको दिमाग चलाना नहीं है, सिचुएशन होगी आपके सामने और आप तुरंत ट्रिक से पता कर लेंगे कि भाई इसमें तो एम्पेरियन लूप ये होगी। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं, ये मेरी खुद की ट्रिक है, ठीक है ना? और मैंने अप्लाई कर करके देखा है, मतलब हर जगह काम करेगी। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है साहब कि ट्रिक है कि जो भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिस कंडक्टर का आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन देखिए, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन देखिए। ठीक है? क्रॉस सेक्शन की जो शेप है वही एम्पेरियन लूप ले लीजिए। ठीक है? जैसे सिलेंडर, तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कुलर, तो सर्कुलर एम्पेरियन लूप होगी। वायर, तो वायर का क्रॉस सेक्शन भी कैसा होगा? सर्कुलर एम्पेरियन लूप होगी। सॉलिनोइड को अगर हम कट कर दें, तो सॉलिनोइड का आपने अभी, हमने लास्ट उसमें डेरिवेशन किया था, तो मैंने उसका आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था कट करके, तो उसका क्रॉस सेक्शन, सॉलिनोइड का क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देता है? रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप ली जाएगी। टोरॉइड, ठीक है ना? टोरॉइड को हम पढ़ेंगे, टोरॉइड को अगर हम कट कर देंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा?
सर्कुलर मीन्स एम्पिरियन लूप सर्किल होगी, सिंपल यही केस है बस आपके यहाँ, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, शेप ऑफ एम्पिरियन लूप, शेप ऑफ एम्पिरियन लूप, सिंपल। कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है, जो उसकी शेप है, वही शेप आपकी एम्पिरियन लूप की होगी। क्लियर बच्चों? अब साहब ये आपने कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। क्लियर? तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है बच्चों आज, एम्पिरियन जो एम्पियर सर्किट लॉ है आज, वो आपके समझ में आ जाएगा कि आखिर ये है क्या और हाउ टू अप्लाई करता क्या है, कहना क्या चाहता है, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा आपके। अब साहब एम्पिरियन लूप सेलेक्ट कर ली साहब हमने, ठीक है, एम्पिरियन लूप सेलेक्ट कर ली, ठीक है। जैसे वायर है, अब आप समझ गए होंगे, वायर है तो वायर के लिए एम्पिरियन लूप सर्किल होगी, सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए एम्पिरियन लूप सर्कुलर होगी, ठीक है, सोलेनोइड के लिए रेक्टेंगल होगी और टॉरॉइड के लिए सर्कुलर होगी, ठीक है। वंस वी हैव सेलेक्ट एम्पिरियन लूप, एम्पिरियन लूप सेलेक्ट करने के बाद बच्चों अगला स्टेप है आपका, give a sense to the एम्पिरियन लूप, ठीक है। एक एक चीज का मीनिंग समझाऊंगा आपको, और कई बार आप एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप हो सकता है आप ठहर कर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, आप खुद सोचेंगे कि हाँ हमने आज तक नहीं सोचा ऐसा कि ये कैसे पता चल जाता है, अभी बताऊंगा आपको। ये जो चीज है ना, गिव अ सेंस टू द एम्पिरियन लूप, ठीक है, सेंस मतलब जैसे हमने सर्कुलर एम्पिरियन लूप ली, मान लीजिए ये हमने लूप ले ली सर्कुलर, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब इस लूप को आपको एक सेंस देना है। सेंस बोले तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारी मर्जी होगी, वो आपकी मर्जी होगी कि आप क्लॉकवाइज सेंस देना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज सेंस देना चाहते हैं। तो सपोज किसी बच्चे का मन किया कि भाई मैं तो क्लॉकवाइज सेंस दूंगा, और उसी सिचुएशन में किसी दूसरे बच्चे का मन किया कि मैं तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अपना अपना सेंस दे सकते हैं, लेकिन देना जरूर है। अब क्यों देना है वो आगे चलते रहिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम सेंस नहीं देंगे तो हमको क्या चीज पता नहीं चलेगी, ठीक है ना। सेंस देने के बाद बच्चों अगला स्टेप है, ये मैंने आपको हाउ टू अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ के मैंने आपको स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। पहले एम्पियर सर्किट लॉ समझाया क्या है कैसे है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया पहला स्टेप है कि आपको एम्पिरियन लूप डिसाइड करनी है, ठीक है। एम्पिरियन लूप डिसाइड करने के बाद फिर आपको उसको सेंस देना है, सेंस देने के बाद बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल डिसाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस, ठीक है। एक बार सेंस देने के बाद आपको फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस डिसाइड करनी है, ठीक है, क्योंकि दो बच्चों ने अलग अलग अपना सेंस लिया है, ले सकते हैं, तो दोनों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होंगे बच्चों, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव हमें कैसे डिसाइड करने है कि भाई ये डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है और वो डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव है। जो डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है हो सकता है वो दूसरे के लिए नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब सब राइट हैंड थंब रूल क्या है, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल, क्लियर। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि प्लेस प्लेस दी
राइट हैंड, प्लेस द राइट हैंड पाम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एम्पेरियन लू एंड कर्ल दी फिंगर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ ये आपने कर लिया होगा, मैं इसको अब रफ कर देता हूं। ये तो कर लिया होगा ना, ट्रिक शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन गिव्स शेप ऑफ एम्पेरियन लू, ठीक है साहब। अब देखिए साहब, कर्ल द फिंगर्स इन इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस, जो लूप का सेंस है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है। देन आउट स्ट्रेस्ड थम देन आउट स्ट्रेस्ड थम गिव्स दी पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, गिव्स दी पॉजिटिव डायरेक्शन एंड अपोजिट टू इट नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है साहब। तो ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या, कि जो लूप है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये है मेरी एम्पेरियन लूप। तो वो कह रहा है राइट हैंड पाम को एम्पेरियन लूप के, राइट हैंड पाम का जो प्लेन है, मतलब दिस इज द प्लेन ऑफ पाम, ठीक है, उस प्लेन को एम्पेरियन लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर रख ली साहब, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेंस कैसे है इसका, देखिए क्लॉकवाइज, तो जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस कर्ल होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस बंद होनी चाहिए, तो थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वो मेरे लिए पॉजिटिव है, फिर भले ही वो पूरे संसार के लिए कोई भी डायरेक्शन हो, मेरे लिए क्या है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में बच्चों देखिए, इस केस में अगर मैं फिंगर्स को इस तरह से क्लोज करता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस, सेंस है क्लॉकवाइज, तो मेरी फिंगर्स भी क्लॉकवाइज बंद हो रही है, तो थंब जा रहा है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ तो नेगेटिव डायरेक्शन होती है वैसे, लेकिन मेरे लिए यहां पर जो माइनस जेड डायरेक्शन है, मेरे लिए वो किस में कन्वर्ट होगी, प्लस जेड में, इसका मतलब माइनस जेड के अपोजिट होती है प्लस जेड, तो जो यहां प्लस जेड है वो मेरे लिए कन्वर्ट हो गई किस में, माइनस जेड में, ठीक है। बिल्कुल भी आप हो सकता है सोच रहे हो यार ये क्या कर दिया सर ने, अरे क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे लिए उस सिचुएशन में, जो माइनस जेड है वो पॉजिटिव है, और जो मेरे सबके लिए पॉजिटिव है वो मेरे लिए नेगेटिव है, ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे दूसरे बच्चे ने क्या किया, कि दूसरे बच्चे ने सेंस एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, अब दूसरे बच्चे ने जब एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो अब सब फिंग मेरी राइट हैंड पाम हो गई एम्पेरियन लूप के परपेंडिकुलर, और फिंगर्स को मैंने भाई कैसे जा रहा है सेंस एंटी क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स मेरी इन दी डायरेक्शन ऑफ सेंस बंद हो रही है, तो थंब आ रहा है अब इस डायरेक्शन में। तो उस बच्चे के लिए, जिस बच्चे ने एंटी क्लॉकवाइज सेंस ले लिया एम्पेरियन लूप का, उसके लिए प्लस जेड आपकी प्लस जेड है और माइनस जेड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सेंस देना है और उस सेंस को देने के बाद आपको डिसाइड करना है कि विच डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड विच डायरेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। अब साहब अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब उसके बाद आपको मजे से फॉर्मूला ड्राइव करना है बाय अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो अब आते हैं हम अपने डेरिवेशंस पर। तो सबसे पहला बच्चों डेरिवेशंस करते हैं, अब यहां पर लिखते हैं हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। मैं आलसी हूं यार थोड़ा, है ना,
एम्प्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूट लॉ, एडिंग पूरी कर लेना आप, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूट लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये तो हम बायोट सेवर्ट लॉ से ड्राइव करके आए हैं और आपने अच्छी तरह से देखा भी होगा वहां पर कि बायोट सेवर्ट लॉ से पहले हमने फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए ड्राइव किया था इंटीग्रेशन यूज करके, फिर उससे हमने लिमिट्स लगा के अप्रोक्सीमेशन लगा के तब इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो अब उसी फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला था बच्चों हमारा, मैं यहां लिखे दे रहा हूं आपको पता होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन d, 2 से 2 मतलब 4, 2 2 या 4 कर सकते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन d, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला अब हमको ड्राइव करना है एम्पियर सर्क्यूट लॉ से, ठीक है साहब। तो अब एक एक चीज को मैं इतना से समझाऊंगा आपको इस डेरिवेशन में, ठीक है ना, ये सेंस, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल वगैरह ये सब, ठीक है, क्योंकि इस एक डेरिवेशन में अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो फिर मजे ही मजे हैं, फिर कुछ नहीं है, एम्पियर सर्क्यूट लॉ बहुत सिंपल होता है यार, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, तो ये साहब हमारा है इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, और ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर हमारा हमने डॉट से डिनोट कर दिया है, और डॉट से डिनोट करने का मतलब है कि ये वायर बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ऐसे जैसे ये मार्कर रखा हुआ है, और डॉट का मतलब होता है प्लस जेड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो करंट है वो बोर्ड के बाहर ऐसे प्लस जेड की तरफ, मींस हमारी तरफ, आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और ये कोई बच्चों पॉइंट है, यहां से डी डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है बाई यूजिंग एम्पियर सर्क्यूट लॉ। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मुझे करना है कि भाई सबसे पहले तो एम्पीरियल लूप सेलेक्ट करो, तो एम्पीरियल लूप सेलेक्ट करेंगे, ये वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन बच्चों क्या होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन होता है आपका सर्कुलर, तो इसके अराउंड हम एक डी, इसको सेंटर मान के डी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे साहब, ठीक है। ये हो गया साहब हमारा, ये हो गई हमारी एम्पेरियन लूप, ठीक है, ये हो गई एम्पेरियन लूप। ये तो मैंने बाय ट्रिक कर दिया, अभी मैं लॉजिक वाला भी दूंगा जो क्रिएटिवली हम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो, वो भी लगाएंगे हम यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए साहब, अब यहां से देखिए भाई, जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रही है और ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, राइट हैंड पाम रूल नंबर वन, राइट हैंड पाम रूल नंबर वन क्या देता था हमको, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो मैंने सब फिंगर कर ली पॉइंट की तरफ, है ना, और थंब हो गया मेरा आउटवर्ड करंट की तरफ, तो आउटवर्ड नॉर्मल ऑन दी पाम, आउटवर्ड नॉर्मल ऑन दी पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों, वो ये होगी टेंजेंशियल टू दिस एम्पीरियल लूप, ठीक है, बी लो जी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब साहब मैं इस पॉइंट पर पता करना चाहता हूं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर, यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट पर अगर मैं पता करूंगा तो फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ, थंब हो गया करंट की तरफ, तो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे आएगा मतलब माइनस एक्स, तो इस पॉइंट पर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया सब भी, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर पता करूंगा डायरेक्शन, तो अप्लाई कर लीजिए पॉइंट, फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ, थंब हो गया करंट की तरफ, तो आउटवर्ड नॉर्मल माइनस वाई, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा बी, ठीक है, और आप यहां पर लगा के देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका प्लस एक्स इस तरह से, ठीक है। तो आप देख लीजिए मैंने जो ट्रिक से बताया, अब वो लॉजिकल भी देख लीजिए, मैग्नेट ये एम्पेरियन लूप लिया मैंने डॉटेड,
और मैग्नेटिक फील्ड एम्पिरियन लूप के हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एम्पिरियन लूप के हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल है, तो वही तो चाहिए था हमको कि अगर आप ऐसी सिचुएशन की एम्पिरियन लूप ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर एम्पियर सर्क्यूटर लॉ आप बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकेंगे, तो हमने कर लिया, ठीक है। अब साहब अब आते हैं गिव अ सेंस टू द एम्पिरियन लूप। अभी मैंने इस लूप को सेंस नहीं दिया है, ठीक है, तो अब मैं लूप को सेंस देता हूं। और मैंने आपको बोला था कि लूप का सेंस आपकी मर्जी के ऊपर है, जो आप चाहें, ठीक है। तो मैंने, मुझे नहीं खुद पता, मैंने दे दिया साहब इसको आपका क्लॉकवाइज सेंस दे दिया लूप को, ये मैंने दे दिया सेंस, ठीक है ना, ये मैंने लूप को क्या दे दिया, सेंस, कैसा, क्लॉकवाइज। अब इस सेंस को यूज करके, जो मान लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बात से पीछे नहीं हटना फिर, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। अब तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, एम्पिरियन लूप के परपेंडिकुलर मैंने राइट हैंड पाम को रख लिया, ठीक है, और फिंगर्स मैंने क्लॉकवाइज, अब ऐसे बंद करनी है सेंस की डायरेक्शन में, तो थंब जा रहा है मेरा अंदर की तरफ, और एज पर दिस रूल थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो मेरे लिए पॉजिटिव है, फिर संसार के लिए चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इट मींस हियर जो माइनस जेड डायरेक्शन है वो मेरे लिए हो गई प्लस जेड, और जो प्लस जेड डायरेक्शन है बच्चों वो हो गई मेरे लिए माइनस जेड, समझना बात को, ठीक है। अच्छा ये प्लस जेड माइनस जेड, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा साहब कि ये क्यों ले रहे हैं हम, पहले प्लस जेड माइनस जेड क्लियर हो गया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो प्लस जो माइनस जेड है वो प्लस जेड में कन्वर्ट हो गई, और जो प्लस जेड है बच्चों वो माइनस जेड में कन्वर्ट हो गई, क्लियर। बोले कि साहब अब कुछ नहीं करना, अप्लाई बायोट और सॉरी एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, बायोट सर्वर लॉ जवान पे आ रहा है ना, कई चार पांच लेक्चर से वही चल रहा है, ठीक है ना। तो अप्लाई एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या था, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अच्छा इसमें करंट आई है, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई, ठीक है। ये था साहब हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब बच्चों आपको एक एक बात क्लियर होगी कि सेंस हम क्यों दे रहे थे, देखिए अब। अच्छा ये क्या है बी डॉट डीएल क्या है, जो एम्पिरियन लूप है, जो एम्पिरियन लूप लिए उस पर एक छोटी सी लेंथ है ना, मतलब हम यहां पर डीएल ले सकते हैं, ठीक है, तो ये सब डीएल है, ठीक है। हम कहीं भी डीएल ले सकते हैं, यहां डीएल ले सकते हैं साहब, ये डीएल हो गई साहब, यहां डीएल ले सकते हैं, ठीक है, ये डीएल हो गई साहब, कहीं भी डीएल ले लो, ये वो डीएल है। अरे बायो सर्वर लॉ में जो डीएल लेते थे हम एक छोटी सी लेंथ, ठीक है। अब ये है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों ए डॉट बी, मतलब ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट डीएल को हम लिख सकते हैं यहां पर इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, ठीक है, आया ना। अब साहब बच्चों अब ध्यान से, अब एकदम कहते ना अपने अंदर का जो फिलोसफर है, अपने अंदर का जो फिजिसिस्ट है, उसको जगा लीजिए, ठीक है, उसको जगा लीजिए, बोले बोले जग जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी ऐसे करके जगा लो उसे, उस फिजिसिस्ट को जगा दो, ठीक है ना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो अब आपकी समझ में आना चाहिए कि मैंने सेंस वेंस ये सब क्या है सर, हमें ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है बुक्स में, ना किसी बुक ने बताया हमें, है ना, तो अब तक ऐसे ही चल रहा था इलॉजिकल, ठीक है। अब समझिए बात को, ये बी डी एल कॉस थीटा, थीटा है बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल, मींस मैग्नेटिज्म में आप शुरू से देखते आ रहे हैं बायो सावर्ट लॉ से, लेंथ इज कंसीडर्ड एज ए वेक्टर, डीएल इज कंसीडर्ड एज ए वेक्टर, तो ये डीएल वेक्टर है और वेक्टर की डायरेक्शन होती है नहीं होती है। अब बच्चों आपने तो ये डीएल मान ली, अब हाउ कैन यू डिसाइड इट्स डायरेक्शन, थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट फॉर ए मोमेंट, सोचिए कि आप कैसे पता करेंगे कि इस डीएल की डायरेक्शन क्या थी,
नहीं पता चलेगी। तो ये जो सेंस दिया था ना हमने, ये सेंस हमने इस डीएल को डायरेक्शन दी है, क्लियर। तो जैसे सेंस मैंने क्या दिया है, मैंने क्लॉकवाइज सेंस दिया है, मतलब यहां से ये लूप ऐसे सेंस आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो जब ये इस डीएल पर आएगा तो सेंस किधर जाएगा, नीचे। मींस डीएल की डायरेक्शन नीचे है, ये जो डीएल है इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे। यहां पर डीएल कैसे जाएगा सेंस, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके इधर, ठीक है ना। तो इस डीएल की डायरेक्शन इधर है, इस डीएल की डायरेक्शन इधर है, समझे। ये डीएल वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। सिमिलरली ये सेंस पर ऐसे घूम के जाएगा, घूम के जाएगा, घूम के ऐसे, ठीक है। तो इस डीएल की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ये डीएल वेक्टर हो गया, सही है। अगर मैं सेंस नहीं देता हूं तो मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि वो सामने वाला पता कैसे कर लेता है यार कि ये डीएल नीचे है या ऊपर है। बी और डीएल के बीच एंगल जीरो कैसे हो गया, 180 कैसे हो गया, उसे कैसे पता चल जाता है। थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट, ठीक है। तो ये सेंस अभी, और खाली एक यही यूज नहीं है इसका, ये तो बहुत बड़ा यूज है, अभी और यूज आएगा। जो ये पॉजिटिव नेगेटिव, अभी बोले कि सर इसका क्या यूज हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव का, इसका अपना यूज है, इसका भी यूज होगा, ठीक है। सेंस का पहला यूज समझ में आ गया, एम्पीरियल लूप को हमने सेंस क्यों दिया, एम्पीरियल लूप को सेंस देने का मतलब हमने डीएल को डायरेक्शन दे दी है कि हमारा डीएल इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब साहब, तो अगर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखूं तो बी ऊपर है और डीएल मेरा नीचे है, ये ठीक है ना, डीएल मेरा नीचे है, क्लियर। तो कहेंगे तो दोनों में एंगल 180 हो गया, तो यहां पर ये हो जाएगा साहब इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 180 और इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। आई इन का मतलब इस एम्पेरियन लूप के अंदर टोटल कितनी करंट बंद है, जैसे गॉस लॉ में टोटल कितना चार्ज बंद है, तो इस लूप के अंदर टोटल करंट कितनी बच्चों, आई, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक बात सोचना, वहां गॉस लॉ में दो तरह के चार्ज होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, वहां हमें साइन गिवन होता था भी, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिया, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ लिया, नहीं। अब यार करंट, करंट जैसे ये आउटवर्ड है, करंट इनवर्ड भी हो सकती है, अब इनवर्ड करंट और आउटवर्ड करंट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो अब करंट को हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लेना है, तो भी मेरे को कैसे पता चलेगा कि करंट कब पॉजिटिव लेनी है और कब नेगेटिव लेनी है। तो ये जो बच्चों मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड किए थे अपनी इस सिचुएशन के लिए, वो करंट को साइन देने के लिए किए थे। तो अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो जो माइनस जेड है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, प्लस जेड में, और जो प्लस जेड है वो माइनस जेड में कन्वर्ट हो गई है ना। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में है, एक्चुअल में करंट कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस जेड, और प्लस जेड मेरे लिए क्या है, माइनस जेड, और करंट अगर माइनस जेड में है तो माइनस, और प्लस जेड में है तो प्लस, मेरे वाले प्लस और माइनस, जो मतलब मैंने साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लिया है, मतलब जो मैंने कन्वर्ट करके लिए हैं, ठीक है ना, ये वाले प्लस माइनस। तो ये कौन से वाले प्लस में है, कौन किस में है, है प्लस जेड कन्वर्ट हुआ है ना माइनस जेड में, तो जो पहले प्लस जेड था वो माइनस जेड बन गया है मेरे लिए, तो करंट माइनस जेड में है मेरे लिए, और माइनस जेड का मतलब माइनस आई, ठीक है। तो ये हो गई साहब माइनस आई, ठीक है ना। अब देखो कॉस 180 की वैल्यू माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू माइनस, बी इज कांस्टेंट, क्योंकि हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, सर्किल है, तो बी इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट, तो बी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डीएल और इक्वल टू, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस 180 की वैल्यू माइनस, ये माइनस, तो म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का मतलब जो एम्पेरियन लूप है उसकी टोटल लेंथ। तो एम्पेरियन लूप है मेरी क्या, सर्किल, और सर्किल की टोटल लेंथ बच्चों होती है क्या, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब हमारा बी इंटू टू पाई आर, बी इंटू टू पाई आर, सॉरी आर नहीं, हमने डी लिया है ना, तो बी इंटू टू पाई डी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है साहब। तो यहां से B इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन डी। लो जी, ये आ गया मेरा इन्फाइनाइटी लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, सिंपल। फिर समझ लीजिए इस माइनस जेड प्लस जेड को,
क्यों किए थे हमने, सेंस क्यों दिया था, ये बात मेन चीज है। सेंस देने के पीछे दो चीज थी, दो कारण थे। पहला कि हमको डीएल को डायरेक्शन, अगर हम सेंस नहीं देंगे बच्चों को, सपोज करो फॉर अ मोमेंट मैंने सेंस नहीं दिया क्लॉकवाइज और नेगेटिव, ठीक है, अब मेरे को यहां इस कैलकुलेशन में बी और डीएल के बीच की डायरेक्शन पता चलेगी, तो आप सोचिए जब मैंने डीएल को जब डायरेक्शन दे ही नहीं रखी है, तो अब मैं कैसे पता करूंगा कि ये बी और ये डीएल पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो सेंस देने के पीछे पहला कारण तो था कि हमने डीएल को डायरेक्शन दी है एक तरह से। दूसरा कारण था कि प्लस जेड और माइनस जेड पता करने के लिए, क्योंकि करंट हमारी प्लस जेड में भी हो सकती है, माइनस जेड में भी हो सकती है, मतलब करंट पॉजिटिव की तरह भी काम कर सकती है और नेगेटिव की तरह भी काम कर सकती है, तो कब हमको पॉजिटिव लेनी है और कैसे हमको नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन देने के बाद जो माइनस जेड है वो प्लस जेड बन गई और जो प्लस जेड है वो माइनस जेड बन गई, तो प्लस जेड करंट प्लस जेड में मतलब माइनस जेड है मेरे लिए, करंट माइनस जेड में थी तो मैंने साइन विद साइन माइनस रखी, करंट मेरे अकॉर्डिंग अगर प्लस जेड में होती तो मैं उसको प्लस साइन देता, क्लियर है, ठीक है। आई होप कि आपको एकदम समझ में आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं अब, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है ना। चलिए तो अब साहब आनंद आ रहा होगा आज, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में रेफर दे दूंगा जब यहां पर आऊंगा मैं। तो अब करते हैं साहब एप्लीकेशन टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। चलिए तो अब साहब सिलेंडर का केस लेते हैं, है ना। तो सिलेंडर को भी हम कैसे लेते हैं कि ये साहब हमारा सिलेंडर हो गया और ये कुछ इस तरह से ठीक है ना। इसका क्या मतलब है अभी समझाता हूं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो सिलेंडर है ना, लाइक दिस मार्कर, ये सिलेंडर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है और आपको सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, और ये जो मैंने बनाया है ये पीछे वाला पार्ट है, ये पीछे से मतलब पीछे से इस तरह से आ रहा है निकल के बोर्ड के बाहर, ठीक है। मतलब कहिए कि जो सिलेंडर है वो बोर्ड पर प्लस मतलब जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, जेड एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें साफ करंट फ्लो कर रही है कितनी आई, और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और यूनिफॉर्मली करंट है, यूनिफॉर्मली का मतलब करंट डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, करंट डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। तो अब आपने ये कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, काफी टाइम हो गया, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब जैसे आपको ध्यान होगा गॉस लॉ में कि जैसे हमने वहां स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, है ना, सिलेंडर के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वहां पर तीन केस होते थे, तीन केस कि भाई जो पॉइंट है वो आउटसाइड भी हो सकता है और जो पॉइंट है वो सरफेस पर भी हो सकता है, पॉइंट हमारा इनसाइड भी हो सकता है, तो वही बिल्कुल सेम। अरे यार बोला ना, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोथ आर ट्विन सिस्टर्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो हमारा पी, वो बाहर है साहब, ठीक है। देखिए ध्यान से, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ठीक है। ये सिलेंडर आपका ऐसे रखा हुआ है और जो पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट है वो यहां कहीं बाहर, यहां यहां कहीं भी, मतलब यहां बाहर है, और इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ द एम्पियर लॉ,
तो कैसा क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का? बोले साहब सर्कुलर। तो बोले बिना सोचे समझे सर्कुलर लूप मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो मैंने साहब यहां से ये आर रेडियस, यहां से ये आर रेडियस का एक मतलब डिस्टेंस, सॉरी मतलब ये सेंटर है और पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है स्मॉल आर। तो मैंने ओ को सेंटर मान के आर रेडियस का सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ कर ली साहब, एम्पेरियन लूप, ठीक है कर ली। अब साहब मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये साहब मेरा सिलेंडर है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन, और मैंने ये इसके अराउंड एक सर्किल मान लिया। अब मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो करंट जा रही है ऐसे आपकी तरफ, पीछे से आ रही है आगे की तरफ, मतलब प्लस जेड की तरफ है करंट, तो थंब हो गया करंट की तरफ प्लस जेड, फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड बोले तो प्लस वाई, ठीक है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लस वाई में होगा इस तरह से, ठीक है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से माइनस एक्स, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा माइनस वाई, और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लस एक्स, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए, ठीक है। मैंने राइट हैंड पाम रूल नंबर वन को अप्लाई कर करके जैसे भी मैंने वायर के केस में निकाला था एजिटेस, ठीक है। अब साहब ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब क्या था एम्पेरियन लूप ले ली, फिर क्या था कि एम्पेरियन लूप को हमें एक सेंस देना है, ठीक है। चलिए अब जैसे मैंने अभी पिछले वाले केस में मैंने एम्पेरियन लूप को सेंस दिया था क्लॉकवाइज, है ना, अब मैं उसको सेंस देता हूं एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बोला ना दिस इज द इट इज द चॉइस मैटर ऑफ चॉइस, जो मन आए वो सेलेक्ट करो यार, ठीक है, सेंस लो चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। चलिए तो पिछले वाले केस में हमने वायर वाले केस में क्लॉकवाइज लिया था, अब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो मैंने साहब सेंस ले लिया, ये सेंस, ये क्या है सेंस, और कैसा लिया है एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। चलिए अब साहब इस सेंस के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव है वो ले लेते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल, तो साहब मैंने एम्पेरियन लूप के परपेंडिकुलर राइट हैंड पाम रखी और फिंगर कैसे बंद करनी है मुझे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो बंद होगा, ठीक है, थंब की तरह आ रहा है प्लस जेड की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्लस जेड है वो प्लस जेड है मेरे लिए और जो माइनस जेड है वो माइनस जेड है, तो प्लस जेड मेरे लिए प्लस जेड रहेगी और माइनस जेड मेरे लिए माइनस जेड रहेगी, ठीक है ना। अब साहब अब डीएल, तो ये डीएल हो गया साहब, यहां ये डीएल हो गया, ये डीएल कहीं भी ले लो, डीएल एक ही जगह लेना है, मैं तो आपको बता दूं कहीं भी ले लो एक ही चीज होगी, ठीक है। अब ये डीएल, अब डीएल सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से सेंस ऐसे जा रहा होगा यू ऐसे, तो यहां पर डीएल की डायरेक्शन क्या है ये प्लस एक्स, ठीक है। अब यहां से ऐसे गया सेंस ऐसे, तो डीएल हो गया ऊपर, ये हो गया डीएल अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहां से फिर सेंस ऐसे आया घूम के यू, तो ये हो गई साहब आपकी डीएल की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। फिर सेंस ऐसे घूम के आएगा यू नीचे, कहने का मतलब यहां पर डीएल आपका नीचे हो गया, ठीक है। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, एम्पीयर सर्किट लॉ अप्लाई कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू अप्लाई एम्पीयर सर्किट लॉ, अप्लाई एम्पीयर सर्किट लॉ, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, ठीक है ना। अब साहब इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, भाई ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो बी डॉट डी एल बी डी एल कॉस थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, तो बी और डी एल के बीच बचा हुआ एंगल देखिए, ठीक है। तो हर पॉइंट पर कहीं भी देख लीजिए, DL की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, B की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, मतलब दोनों पैरेलल हो गए, थीटा जीरो हो गया। यहां पर देखिए B की डायरेक्शन है माइनस एक्स और DL की भी डायरेक्शन क्या है माइनस एक्स, दोनों पैरेलल हो गए, मतलब कहीं भी ले लीजिए, तो B और DL के बीच यहां पर जो एंगल है मतलब बोथ आर पैरेलल, सो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया जीरो, ठीक है, cos जीरो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
BDL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब लूप के अंदर टोटल करंट कितनी है बच्चों, आई, पूरी की पूरी करंट आ रही है ना सिलेंडर की, तो ये हो गया आई। अब साइन 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 रखना है हमको, है ना, प्लस जेड माइनस जेड, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में, प्लस जेड, करंट कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस जेड, और मेरे लिए जो प्लस जेड है वो प्लस जेड ही है, तो मतलब करंट पॉजिटिव ही रखी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया साहब आपका प्लस आई, क्लियर। अब कॉस जीरो की वैल्यू प्लस वन, ठीक है, क्योंकि सर्किल है, सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो बी हर एक पॉइंट पर कॉन्स्टेंट ही होगा, ठीक है, बी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है साहब, और इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब जो एम्पीरियल लूप है उसकी टोटल लेंथ, तो एम्पीरियल लूप है साहब हमारी सर्किल, और सर्किल की टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। अरे यार ये तो वही फॉर्मूला आ गया निकल के जो भी इंफिनिटी लॉन्ग वायर के लिए निकाला था हमने, वही आया ना, वही तो है, ठीक है। अब साहब दूसरा केस, दूसरा केस है हमारा केस सेकंड, केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था बच्चे, यहां पर लिख लेना केस फर्स्ट, केस फर्स्ट व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है ना। अब साहब दूसरा केस है हमारा व्हेन पॉइंट इज, पॉइंट इज एट सरफेस। अब जो पॉइंट है, अब जो पॉइंट है ये हमारा, ये जो पॉइंट है ये कहां गया, सिलेंडर के सरफेस पर, तो ये पॉइंट यहां से अगर यहां आ जाए तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, मतलब सिलेंडर की रेडियस के, तो इसमें कुछ नहीं करना, स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहां जो स्मॉल आर है उसकी जगह पर हम कैपिटल आर रख देंगे, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई और आई अपॉन कैपिटल आर। लो जी सरफेस पर, सिलेंडर की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट केस बचा है बच्चों हमारा केस थर्ड, केस थर्ड व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, ठीक है, तो पॉइंट इनसाइड। अब जो ये पॉइंट है बच्चों हमारा यहां से सरफेस पर आया, सरफेस से अब यहां अंदर आ गया सब यहां, ठीक है, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस है ये कितनी, स्मॉल r। तो अब क्या करना है, पूरी फिजिक्स जैसी होती है भाई, हमारे तो गुरुजी जिनसे हमने फिजिक्स की शिक्षा ली थी मिस्टर श्री संजीव, मिस्टर संजीव अग्रवाल, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो हमने, उन्होंने हमें एक ही बात बताई थी कि बेटा फिजिक्स का पैटर्न जो समझ गया, यूं समझो वो फिजिक्स में बस नैया पार हो गई उसकी, बोले कि आपको अगर इतना पैटर्न समझ में आ गया ना तो ऐसा फील होने लगेगा कि पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है, अरे कि ऐसा तो मैं वहां पढ़ के आया था, ऐसा वहां पढ़ के आया था, सारी फिजिक्स एक जैसी लगने लगती है कि फिजिक्स में क्या है, बस ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो कह रहे पूरी फिजिक्स एक जैसी ही तो है, ये सारा केस हम वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ में करके आए हैं, किस बाहर है, सरफेस पर है, अंदर है, ठीक है। तो अब जो पॉइंट है वो इनसाइड है, आप फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, एम्पीरियल लूप, तो ओ को सेंटर मान के आर रेडियस की हमने साफ एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर ली, ये सर्किल है, भावनाओं को समझे, ठीक है ना, तो ये साफ सर्कुलर लूप ड्रॉ कर ली हमने। अब यहां पर देखे चक्कर भाई, हमको करंट केवल वो चाहिए जो एम्पीरियल लूप के अंदर है, ठीक है, तो एम्पीरियल लूप है हमारी ये डॉटेड, तो इसके अंदर जितनी करंट आ रही है वो चाहिए, यहां भी तो करंट है ना इसके बाहर, अब बाहर वाली से हमें लेना देना नहीं है, आई इन, आई इन का मतलब है हमें वही करंट लेनी, उतनी ही करंट लेनी है जितनी करंट सॉरी एम्पीरियल लूप के अंदर है,
ठीक है ना। चलिए तो अब आते हैं, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए एम्पियर सर्किट लॉ। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, ठीक है ना। सेम चीज वही करना है जैसे यहां पर कर लिया, कोई कुछ नया मत करो, ठीक है ना, वही रहने दो, मतलब सेंस वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, ठीक है ना, डीएल की डायरेक्शन वही है, तो कुछ नहीं चेंज करना, तो मतलब इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहां तक कर दे रहा हूं कि बी बाहर आ जाएगा जैसे यहां पर, और इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है ना, और इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। अभी आई एन नहीं पता हमको, ठीक है। अब यहां पर हम करते हैं बच्चों, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पर लिखता हूं मैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ आई एन, कैलकुलेशन ऑफ आई एन। तो आई एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट यूनिटरी मेथड। कैसे, देखिए यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, भाई इस सिलेंडर का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, क्योंकि करंट यूनिफॉर्म है पूरी जगह, सब जगह सेम मतलब डेंसिटी है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। तो पाई आर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है, टोटल आई। तो यूनिट एरिया से कितनी पास हो रही होगी बच्चों, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से कितनी पास होगी, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर और इनटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो दिस इज आई इन इक्वल टू आई स्मॉल आर स्क्वायर और अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगी बच्चों हमारी आई इन। सिंपल, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से आई करंट, यूनिट एरिया से आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो स्मॉल पाई स्मॉल आर स्क्वायर से आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपल यूनिटरी मेथड, क्लियर है। अब जो आई इन आया है उसको यहां पर पुट कर देंगे, तो बी और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब जो एम्पिरियल लूप है उसकी टोटल लेंथ, एम्पिरियल लूप की टोटल लेंथ हो जाएगी भाई, सर्किल है तो टू पाई आर और इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, आई इन है हमारा आई आर स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर, सारी चीजें सेम है साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, वही वाला है बाहर वाला ही, तो प्लस वही होगी करंट। अब साहब यहां से आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और बी की वैल्यू आएगी हमारी म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई स्मॉल आर और अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। लो जी ये आ गया हमारा, सिलेंडर के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों थोड़ा सा बस इसका ग्राफिकल एनालिसिस है और एक दो मैथमेटिक्स और बुलवाना है, ठीक है, ये आपने कर लिया होगा, ठीक है, कर लीजिए। चलिए तो अब मैं इसको रफ करता हूं और बढ़ता हूं, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का जलवा दिखवाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है, अब क्या बोल रहा है यहां पर, ठीक है ना, और कैसे बोल रहा है ये देखते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, आउटसाइड के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, मतलब जस्ट सिमिलर टू इनफाइनिटी लॉन्ग वायर, ठीक है, दिस इंप्लाइज b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, कहने का मतलब बाहर, अगर हम सिलेंडर के बाहर हैं और सिलेंडर से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो r बढ़ता जाएगा, और r अगर बढ़ता जाएगा बच्चों तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब साहब एट सरफेस, तो सरफेस पर था b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई और i अपॉन कैपिटल r, ठीक है, और अब आते हैं हम इनसाइड, तो इनसाइड के लिए था b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई, इनसाइड के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई आर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ओहो देखिए ये कांस्टेंट भाई, सिलेंडर की रेडियस कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है ही, तो ये क्या कर रहा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कहने का मतलब एक छोटी सी बात, दैट इज एट सेंटर, मतलब अगर ये पॉइंट यहां से सेंटर पर आ जाए, अगर ये पॉइंट यहां से यहां यहां से, तो आर कम होता जाएगा ना, और सेंटर पर आके आर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो दैट इज एट सेंटर आर इज इक्वल टू जीरो। और बच्चों अगर इस फॉर्मूले में यहां आर की जगह जीरो रख देंगे तो पूरा ही खत्म, मतलब बी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज बी बिकम्स इक्वल टू जीरो। ओहो, क्या पॉइंट निकला, क्या पॉइंट निकला कि सिलेंडर की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। भाई सेंटर से क्या पास होता है सिलेंडर का, एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस पर जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, क्लियर, और ये इसकी एक्सिस है, तो एक्सिस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा, यहां 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 कहीं भी थ्रू आउट द सिलेंडर एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या होगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद जब आप सेंटर से चलोगे सरफेस की तरफ, सेंटर से जब सरफेस की तरफ चलोगे तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगी एक्सिस से, जैसे जैसे दूर होते रहेंगे सरफेस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा और आर मैक्सिमम मतलब कहां पर हो जाएगी, रेडियस, कहने का मतलब सिलेंडर के सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड वो मैक्सिमम हो जाएगा बढ़ते बढ़ते, और उसके बाद जब आप बाहर चलोगे तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अब बच्चों इसका ग्राफिकल मैटर समझते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पर जगह बना लेता हूं, क्योंकि इसके नीचे ही अगर आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर है, अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए था, ये हो गया सिलेंडर का सेंटर, ठीक है, ये हो गई आर, क्लियर, और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आर एंड दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये वाला पॉइंट है, मतलब सिलेंडर का सेंटर, ठीक है ना। अब देखिए अभी मैं यहां हूं बच्चों, मतलब यहां का मतलब मैं सिलेंडर की एक्सिस पर हूं, मैं सिलेंडर की एक्सिस पर हूं, कहीं यहां यहां कहीं भी सिलेंडर की एक्सिस पर हूं, और मैं सिलेंडर की एक्सिस पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और सिलेंडर की एक्सिस से मैं अभी यहां से लेके यहां तक बीच में हूं कहीं भी, मतलब इनसाइड, और इनसाइड के लिए बी और आर में बच्चों रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। तो कहने का मतलब ये सिलेंडर था पूरा, तो मैं अगर यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूं तो ये कहां से है, सरफेस से, ठीक है ना, कहने का मतलब ये सरफेस वाली लाइन है, तो ये आपकी सेंटर, तो मैं ये बीच है मेरा इनसाइड, इनसाइड यहां से लेके यहां था, मतलब मैं अभी सिलेंडर के अंदर हूं, और सिलेंडर के अंदर बी और आर में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फॉर एनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मैंने साहब यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ऐसे, तो ये हो गया मेरा यहां से लेके यहां तक बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्लियर। अब साहब मैं आ गया यहां पर कहां, सरफेस पर, सरफेस का मतलब अब मैं यहां से अगर आगे चलूंगा, यहां से आगे चलूंगा तो कहां आ गया, बाहर, और बाहर के लिए बी और आर में रिलेशन है इनवर्स, और इनवर्स रिलेशन का मतलब है बच्चों और एनी इनवर्स रिलेशन ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां से ग्राफ हो जाएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हो गया आपका सिलेंडर के मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। तो आई होप कि आपको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ समझ में आया होगा, आपको फील आई होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, और मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक आप फिजिक्स का आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।